तस्वीरें समय आप देख सकते हैं उस एक्सीडेंट हुई मोटरसाइकिल को, बुलेट मोटरसाइकिल को साइड में किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी बुरी तरह से मोटरसाइकिल डैमेज हो जाती है और नौजवान युवक की मौत हो जाती है। तड़पता रहा युवक, किसी ने हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। समय रहते अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद इसकी जान बचाई जा सकती थी। ट्रैक्टर को आप देख सकते हैं आगे किया जा रहा है जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। रॉयल इनफील्ड पर एक नौजवान युवक, अच्छे खासे परिवार का युवक जो शायद जिम कर वापिस लौट रहा था, उसकी दुखद मौत हो जाती है। लोग अब आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल को इस समय बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, हैंडल उसका फंसा हुआ है, आगे से मोटरसाइकिल बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। निकल गई बस। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल को इस समय साइड में किया जा रहा है, मोटरसाइकिल को निकाला जा रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। रोक ले, निकल गई बस, एक मिनट रुक जा। रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल बहुत ही दुखद हादसा। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही दुखद हादसा जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस फंसी हुई मोटरसाइकिल को बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही दुखद हादसे में एक नौजवान युवक की मौत हो जाती है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है, युवक की पहचान हो पाए, हमारी अपील है आप सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मोटरसाइकिल बाहर निकाली गई है, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर जा घुसी थी मोटरसाइकिल। आप देख सकते हैं पानी का कैंपर था, उसको लेकर जाया जा रहा था, जिसकी लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं। मोटरसाइकिल को बाहर निकाल लिया गया है। बहुत ही बुरी तरह से मोटरसाइकिल अभी भी अंदर फंसी हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। उसके शूज भी यहाँ पर पड़े हैं, उसकी पहचान हो पाए, ताकि जल्द से जल्द उसके परिवार के लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा सके। ब्रेक मार के रखना भी। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मोटरसाइकिल बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। इतनी मजबूत मोटरसाइकिल का ये हाल है और ऊपर बैठे हुए नौजवान युवक की मौत मौके पर ही हो गई थी। शव वाहन जब तक पहुंचता उससे पहले ही टेम्पो के माध्यम से लोगों के सहयोग से हमने मिलकर उसके शव को पहुंचा दिया हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं इस मोटरसाइकिल को साइड में कर दिया गया। बहुत ही दुखद हादसा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तड़पता रहा युवक। किसी ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अगर समय रहता उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, पुलिस मौके पर है और एक बहुत ही दुखद हादसे में बुलेट बाइक सवार चालक व्यक्ति की मौत हो जाती है, इस युवक की मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद हादसा है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बुलेट बाइक पर एक नौजवान युवक था, शायद जिम कर वापिस लौट रहा था, नूरमेल चौक से साई मंदिर की तरफ आ रहा था, तभी अचानक एक ट्रैक्टर वाले ने, जिसके पीछे पानी का जो कंटेनर होता है वो बंधा हुआ था, उसने अचानक मोड़ दिया और बुलेट मोटरसाइकिल की भी स्पीड शायद ज्यादा रही होगी, वो अंदर घुस जाती है और मौके पर ही उस युवक की मौत हो जाती है। ये बुलेट मोटरसाइकिल की हालत देख सकते हैं, कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। लोगों ने बताया, महिलाओं ने रोक रोक कर कोशिश की कि शायद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, क्योंकि उस समय उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन किसी ने भी इंसानियत का परिचय नहीं दिया। अगर समय रहते इंसानियत का परिचय दिया जाता तो शायद इस युवक की जान बचाई जा सकती थी। आसपास के लोग यहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं काफी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक युवक था, बुलेट मोटरसाइकिल पर था, शायद वो भी आप ही की तरह जिम कर आ रहा था, पहचान नहीं हो पाई है उसकी। लोगों ने बताया कि तड़पता रहा, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। मैं जब तो आया इतने में एक्सीडेंट हो चुका सर, बट मैंने जैसे आगे देखा इतना एम्बुलेंस आई तो हम सब ने मिलकर उसको एम्बुलेंस में डाला। तो आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद हादसा जिसमें एक नौजवान युवक की मौत हो जाती है। बड़े स्तर पर लोगों की लापरवाही रहती है। अगर आपके घर का बच्चा, हमारे घर का बच्चा अगर ऐसे सड़क पर तड़प रहा होता, क्या आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश ना करते? अगर समय रहते उसको शायद हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता, ब्लीडिंग उसकी रुक जाती, ऑक्सीजन उसको लग जाता, तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें संभलने की जरूरत है। ऐसे लोगों से भी अपील की जाती है, पेरेंट्स से भी अपील की जाती है, जिस तरह से एक बेटी 3 बच्चों को बिठाकर जा रही है,
कहीं ना कहीं हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये रोड बड़ी खतरनाक हो चुकी है। इस रोड पर इस तरह से बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। यहीं पर एक्सीडेंट हुआ, बुलेट बाइक वाला यहां से जा रहा था साईं बाबा मंदिर की तरफ और ये अचानक आप देख सकते हैं जो इस समय पानी के कंटेनर से भरा हुआ ट्रैक्टर था अचानक शायद यहाँ मोड़ लेता है और मोटरसाइकिल उसके अंदर जा घुसती है जिसमें उस नौजवान युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन तड़पता रहा वो युवक, उसको समय रहते किसी ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, अगर समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। क्योंकि हादसा बहुत ही दुखद हुआ है, मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही दुखद हादसा हुआ है सर। यहाँ से ट्रैक्टर वाला निकला, उधर से वो लड़का आ रहा है जोर से मार के, वो ट्रैक्टर वाला 5 मिनट देख के भाग गया। हमने बहुत शोर मचाया लोगों को उठाने के लिए, गाड़ी वाले बहुत रोकी, किसी ने नहीं रोकी। मैं बहुत रोई, बहुत क्या लगता है आपका क्या? मैं क्या, कुछ नहीं, आप रोको, किसी ने रोकी, जाओ जाओ जाओ, तड़फा है। 2 मिनट टांग हिलाई, फिर मैंने जोर जोर से रोला पाया भी आके उठाओ उठाओ, कोई नहीं नेड़े लगा सर। समय रहते हॉस्पिटल ले जाया जाता, शायद जान बच सकती, बच जाती, फिर जान बच जाती, बड़ा रोला पाया हमने, जान बच जाती इसकी। कार वाले को मैंने बहुत हाथ जोड़े, मैं भैया ले जो, कहता मैं नहीं ले जाऊँ, इंसानियत खत्म होगी दुनिया में। सारे वीडियो बनाने की कर रहे हैं, वीडियो बना के वायरल करें, ये इंसानियत किसी ने नहीं दिखाई है। इसमें बहुत जान थी जब हम आए, हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। सबसे पहले उस घायल युवक को अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, शायद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन लोग यहां पर खड़े, तमाशबिन खड़े, वीडियो बना रहे थे उस समय। जैसे कि महिलाओं ने बताया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, बुलेट मोटरसाइकिल है जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का बड़ा भयानक सड़क हादसा हुआ है। एक नौजवान युवक की दर्दनाक मौत हो चुकी है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। HR 91B 9226, बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है। और आप देख सकते हैं अचानक ये जो ट्रॉली वाला था, ट्रैक्टर वाला था, इसने अचानक इधर मोड़ी और मोटरसाइकिल भी कहीं ना कहीं क्या स्पीड में थी या कैसे एक्सीडेंट हुआ इसके अंदर जा घुसती है और नौजवान युवक की मौत हो जाती है। तो बहुत ही दर्दनाक सड़क हादसे में इस नौजवान युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और शव वाहन का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही देर में शव वाहन मौके पर पहुंचेगा, ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि महिलाओं ने बताया कि हादसा बहुत ही भयानक था, महिलाएं लोगों से हाथ जोड़ती रही किसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, इसकी सांसें चल रही है, अगर समय रहते इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद इसकी जान बच सकती थी। बहन जी, अगर समय रहते इसको पहुंचा दिया जाता हॉस्पिटल तो जान बच सकती थी, उसकी जान बच सकती थी। भैया लोगों ने नहीं नेड़े कोई लगा उसके, जान बच सकती थी। ये दुनिया की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। किस तरह से एक घर के नौजवान युवक की मौत हो जाती है। रॉयल इनफील्ड पर था, बुलेट मोटरसाइकिल पर था, माताएं बहने रोकती रही लोगों को कि रुक जाइए, हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, सांसें चल रही थी, अगर समय रहते हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो शायद इस युवक की जान बच सकती थी। बहुत ही भयानक सड़क हादसा हुआ है जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। मोटरसाइकिल के कागज निकालने की कोशिश की जा रही है, पुलिस की टीमें आप देख सकते हैं टापे को खोलती हुई नजर आ रही हैं। बहुत ही दुखद हादसा सीएम सिटी करनाल में हो जाता है। किस तरीके से बताया जा रहा है कि अभिषेक नाम का एक युवक लाल रंग की बुलेट बाइक पे अपने नूर महल चौक से जो है साईं मंदिर की तरफ जा रहा था, हालांकि सेक्टर 8 का रहने वाला बताया जा रहा है। और किस तरीके से वहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रोली थी जिसने अचानक से साइड मारा, उसकी वजह से अभिषेक जिस बुलेट पे सवार था वो उसमें जो है एकदम अंदर घुस जाती है और उसके बाद जो है उसकी मौके पर मौत हो जाती है। हालांकि अंतिम सांसें जब वो ले रहा था तो वहाँ पे जो भी चश्मदीद थे, बहुत सारी महिलाएं थी जो कि हाथ जोड़ती रही आते जाते, जो लोग थे, जो वाहन चालक थे उनसे मदद मांगती रही, गुहार लगाती रही कि इसे अस्पताल ले जाएं। उस वक्त उसकी अंतिम सांसें चल रही थी, लेकिन मानवता को कुछ उठता हुआ ये जो है हादसा सामने है। किस तरीके से जो है कोई भी नहीं रुका और उस वक्त जो है अभिषेक ने दम तोड़ दिया। हालांकि ये भी बताया जा रहा है अभिषेक जो है वो सेक्टर 8 का रहने वाला है और ये जो वारदात हुई है वो कहीं ना कहीं नूर महल चौक और साईं मंदिर के बीच में हुई है बताया जा रहा है।
जा रहा है कि अपनी लाल बुलेट पे वो नूर महल चौक से साई मंदिर की तरफ जा रहा था और अचानक से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है साइड ले लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो बुलेट है वो उसमें एकदम से जाके अंदर बच जाती है और उसके बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि सबसे दुखद ये है कि उस वक्त वो अंतिम सांसें ले रहा था और जो महिलाएं थी आसपास वो हाथ जोड़ती रही, मदद मांगती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी वाहन चालक, कोई भी जो वहाँ पे लोग थे वो रुके नहीं। उसके बाद एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम जो है उनको ये सूचना मिल गई थी, वो मौके पर पहुँचते हैं और उसके बाद एक टेम्पो की मदद से अभिषेक का जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। हालांकि तस्वीरें इस वक्त आप जो है मॉर्चरी हाउस से देखने कल्पना चावला के पोस्टमार्टम से देख रहे हो और किस तरीके से शरीर है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि घर वाले ज़रूर पहुँच जाते हैं, जो जाँच अधिकारी है, पुलिस की टीम है, वो भी मौके पर पहुँच जाती है, लेकिन घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये भी सामने आया है कि जो अभिषेक है उसके पिता का पिछले साल देहांत हो गया था और शायद वो घर में इकलौता ही है और कोई है भी नहीं है। उसकी माँ है जिनका रो रो के बहुत बुरा हाल हो चुका है। हालांकि जो जांच अधिकारी हैं पुलिस है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाएगी।